पहला प्रश्न यही है कि देखिए आपके नेतृत्व में पार्टी ने यहाँ पर सरकार बनाई, दूसरी बार भी मौका मिला, अब तीसरी बार आप लोग चुनावी मैदान में हैं। 2024 के ही लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन महायुति से बहुत अच्छा था, तो इन मतलब अभी जून के महीने से नवंबर के महीने आते आते क्या बदला है कि आप आश्वस्त दिख रहे हैं कि महायुति की सरकार बनेगी? क्योंकि तब अघाड़ी का प्रदर्शन अच्छा था, आप दावा कर रहे हैं विधानसभा में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, क्यों? अंजना जी, हवाओं का रुख बदल चुका है। जिस प्रकार से हवाओं को प्रदूषित करने का काम, विचारों को प्रदूषित करने का काम, फेक नरेटिव चलाने का काम कांग्रेस और उस समय की आघाड़ी की सरकार ने किया था, हमने अब उनका चेहरा खुला कर दिया है। हम लोग विशेष रूप से लोकसभा के चुनाव में दो कारणों से हारे। पहला कारण ये था कि संविधान बदलेगा और आरक्षण जाएगा, इस प्रकार की बातें नीचे पहुंची। और महाराष्ट्र में ये मैं अपनी गलती मानता हूं कि हम लोग ये व्यवस्था ही नहीं बना पाए कि जिस तेजी से नरेटिव फैला उस नरेटिव को हम रोक पाए। हम नहीं रोक पाए तो उससे एक बहुत बड़ा हमारा वोटर उस चुनाव में हमसे खिसका। और दूसरी चीज, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में वोट जिहाद का प्रयास ये कांग्रेस आघाड़ी सरकार ने किया, मसलन धुलिया जैसी एक सीट, जिस सीट पर 6 में से 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम 1,90,000 से आगे थे और एक मालेगांव सेंट्रल में इस प्रकार की वोटिंग हुई कि हम 1,94,000 से पीछे गए और 4,000 वोटों से हारे। ऐसी 12 सीटें हैं जिन सीटों पर एक या डेढ़ अल्पसंख्यक वोटों की सीटों के कारण हमको हारना पड़ा। बाद में हमारे ध्यान में आया कि पूरे तरीके से धार्मिक नेताओं को इस्तेमाल करते हुए, अल्लाह की कस्में देते हुए और धार्मिक स्थलों से आवाहन करते हुए एक प्रकार से वोट जिहाद यहां पर किया गया। अब ये दोनों चीजें संभव नहीं है। पहली चीज इसलिए संभव नहीं है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में स्टेटमेंट देने के बाद और नागपुर में एक लाल संविधान दिखाया जिसके अंदर कोरे पन्ने थे। अब ये नरेटिव वैसे भी समाप्त हो चुका और लोग भी जान चुके हैं कि आरक्षण देने वाले मोदी जी आरक्षण लेने वाले मोदी जी नहीं है, इसलिए वो हमारा वोटर वापिस आ गया है। और वापिस ये लोग वोट जिहाद का प्रयास तो कर रहे हैं, उलेमाओं के तलवे चाट रहे हैं, लेकिन अब वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो पाएगा? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं हरा पाएगी, इसलिए अब। और दूसरा, इसके कारण बाकी लोग भी जाग रहे हैं, क्योंकि कभी भी आप अगर किसी एक कम्युनिटी का अपीजमेंट करेंगे तो नेचुरली दूसरी कम्युनिटी को यह लगता है कि हम क्या सेकंड क्लास सिटीजन है। इसलिए मुझे यह लगता है कि अब हवाओं ने रुख बदला है। और सबसे बड़ी बात, पिछले 6 महीनों में जिस प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन हमने किया, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट तेजी से समाप्त किए और हमने लोगों के लिए वो खुले किए, तो लोगों में एक बड़ी पॉजिटिविटी हम तैयार कर पाए, इसलिए जनता हमको चुन कर देगी। अच्छा, वोट जिहाद आप बार बार कह रहे हैं, तो क्या वोट का धर्म युद्ध कहने वाले देवेंद्र फडणवीस भी ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे नारा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक है तो सेफ है नारा ही आपको महाराष्ट्र जिताएगा, ये आपके लिए एक सूत्रधार नारा है महाराष्ट्र के चुनाव में? देखिए, महाराष्ट्र तो हम जीतेंगे हमारे काम के आधार पर, हमारी स्कीम्स के आधार पर। और मोदी जी ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र को मदद की है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र को योजनाएं दी है, उसके कारण हम महाराष्ट्र जीतेंगे। लेकिन हाँ, जब सामने से समाजों को बांटने की कोशिश चल रही है, हमारे सारे समाज छोटी छोटी जातियों में बट जाए इस प्रकार का प्रयास चल रहा है, ऐसे समय योगी जी ने जो कहा बटेंगे तो कटेंगे, ये तो भारत का इतिहास है। भारत जब भी भाषाओं में बटा है, प्रांतों में बटा है, जब भी भारत जातियों में बटा है, तब तब भारत गुलामी में गया है। जातियों में बटने के कारण ही हम गुलामी में गए, तो जब गुलामी में गए तो हम लोग कटे भी है, भारत भी कटा है और भारत की जनता भी कटी है। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये बात जो कही है ये तो सही है, लेकिन उससे ज्यादा मैं ये मानता हूं कि जो मंत्र मोदी जी ने दिया है
एक है तो सेफ है, यह मंत्र बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। कांग्रेस की जो नीतियां है, जिन नीतियों के तहत समाज को वो तोड़ना चाहती है, उसके खिलाफ मोदी जी का मंत्र है एक है तो सेफ है। और निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता इस मंत्र को अमल में लाएगी। तो फडणवीस साहब, ये आप अजीत पवार को क्यों नहीं समझा पा रहे? वो तो कह रहे हैं कि ये मंत्र महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। आप पंकजा मुंडे को क्यों नहीं समझा पा रहे? अशोक चव्हाण को क्यों नहीं समझा पा रहे? देखिए, मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, अजीत पवार जी और अशोक चव्हाण जी ये एक अलग विचार से आए हुए हैं। तो अभी भी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जिन विचारों से वो आए, उन विचारों ने जो एक सूडो सेक्युलरिज्म उनके दिमाग में डाला हुआ है, कभी कभी वो उभर कर बाहर आता है। क्योंकि जब बटेंगे तो कटेंगे ये योगी जी कहते हैं, तो इसका अर्थ वो समझ नहीं पा रहे। तो हम समझाएंगे उनको, आप चिंता मत कीजिए, जरूर समझाएंगे। और मुझे लगता है, मैंने पंकजा जी से बात की, पंकजा जी ने ये कहा कि हम लोग तो विकास के भरोसे जीत रहे। जब उनको पूछा गया कि आप इसके भरोसे जीत रहे, तो उन्होंने कहा नहीं ना, हम तो विकास के भरोसे जीत रहे। तो उनके मन में कोई शंका नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि छत्रपति संभाजी नगर का नाम रखना और ऐसे तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उससे पहले मैं वापस अजीत पवार पर आना चाहती हूँ। फडणवीस साहब, देखिए मामला लग रहा है कि आप लोगों का दो तरफ देख रहे हैं महायुति के दो नेता। अजीत पवार की ही पार्टी के टिकट पर नवाब मलिक हो, सना मलिक उनकी बेटी हो, वो टिकट देते हैं, बीजेपी मना करती है फिर भी टिकट देते हैं। जेशान सिद्दीकी प्रधानमंत्री की रैली से दूर रहते हैं। क्या एक रिफ्ट है अजीत पवार के साथ, ओपन रिफ्ट? देर इज नो रिफ्ट। प्रधानमंत्री जी की सभाओं में हमने नेताओं को बांट लिया था। पहली सभा में मैं रहा, फिर एक सभा में सीएम साहब रहे, फिर एक सभा में अजीत दादा रहे, एक सभा में तटकरे जी रहे। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग सभाओं में अलग अलग लोग जाएंगे तय किया था, इसमें कोई रिफ्ट नहीं है। हाँ, इस बात पर 100% रिफ्ट है कि नवाब मलिक का काम हम नहीं करेंगे। हमने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि नवाब मलिक को टिकट मत दीजिए, फिर भी उन्होंने दिया तो हमने वहां पर शिवसेना का फॉर्म भरा है, हम शिवसेना का काम करेंगे। अगला प्रश्न है कि देखिए अजीत पवार ने एक और मुद्दे पर आपको एक इंटरव्यू में घेरा है सर। वो कह रहे हैं कि गौतम अडानी की मौजूदगी में पहली बार फडणवीस जी और मतलब आपकी और उनकी बात हुई थी, क्या ये बात सच है? देखिए, मैंने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि बैठक निश्चित रूप से हुई, जिस बैठक में शरद पवार जी थे, अमित शाह जी थे, प्रफुल्ल पटेल जी थे, मैं था, अजीत दादा पवार थे, लेकिन इसमें कहीं पर भी गौतम अडानी नहीं थे।